सभी भाई बहनों को ओम शांति नमस्कार। जैसे कि आप सभी भाई बहनों ने आध्यात्मिक यात्रा चैनल के माध्यम से पिछली वीडियो में मेरे ईश्वरीय जीवन के जो अनुभव थे वो सुने, तो आज की इस वीडियो में भी जो उसका सेकंड पार्ट है, अर्थात पहले तो मैं घर परिवार में रहते हुए सन्यासी बन करके भागने वाला था हरिद्वार, बाल बच्चों को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, कारोबार को छोड़ करके, लेकिन जैसे ही मुझे सही दिशा मिली और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डेरा गोपीपुर सेंटर की बहनों के माध्यम से प्रदर्शनी में मुझे ईश्वरीय ज्ञान मिला और ये पहचान मिली कि जिस भगवान को मैं ढूंढ रहा हूँ वो भगवान 13/11/1993 को मुझे मिलकर जा चुका है, तो मेरी मन की आँख खुल गई। और उसके बाद फिर मैं उस प्रदर्शनी में से जो साहित्य, ईश्वरीय साहित्य की किताबें खरीद करके लाया था अपनी दुकान पे, तो मैंने उनके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। उन किताबों में मुख्य मुख्य जो किताब थी जिन्होंने मेरे मन को छुआ, जिससे मुझे पूरा संपूर्ण परिचय मिला कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है क्या चीज, कोई संस्था है, कोई गुरु की गद्दी वाला सिस्टम है यहाँ पे, या कि ये सचमुच भगवान द्वारा स्थापित किया गया एक ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ पूरी दुनिया की सभी आत्माओं का हक है परमात्मा से वर्षा लेने का, ये क्या है, तो उसे जानने की कोशिश की। तो साप्ताहिक पाठ्यक्रम किताब जो है 7 डेज कोर्स वाली, उसको मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा, कम से कम 10 बार, और जितनी बार मैं उसको पढ़ता उतनी बार ही मेरा फिर मन करता कि मैं इसको फिर से पढ़ूँ, क्योंकि मेरे बचपन से जो लगन थी परमात्मा को पाने की, जो इच्छा मन में थी परमात्मा के प्रति, जो तड़फन थी मन में, वो मेरी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे करते करते मैंने 7 दिन का कोर्स वाली जो किताब पढ़ी, और उसमें जो शीर्षक थे कि आप कौन हैं, कहाँ से आप आए हैं, कहाँ आपको वापस जाना है, परमात्मा कौन है, परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है, परमात्मा कब सृष्टि मंच पर आते हैं और आते हैं तो आकर के क्या करते हैं, इसी तरह से मनुष्य आत्मा की 84 जन्मों की कहानी क्या है, कर्म अकर्म विकर्म की गति क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो शीर्षक वाइज उस किताब में वर्णित हैं, जो कि हमारे बुद्धि के किवाड़ खोलने वाली हैं। तो उस किताब को 10 बार जब मैंने पढ़ा तो जैसे कि मैं उस किताब का ही स्वरूप बन गया, मेरे मन के ऊपर इतना आध्यात्मिक नशा चढ़ गया, रूहानी नशा चढ़ गया कि मैं तो एक आत्मा हूँ, ये शरीर तो मेरे कर्मेंद्रियाँ हैं, कर्मचारी हैं, मैं तो इनसे काम लेने वाली हूँ, मैं तो जब भारत होने की चिड़िया था तो मेरा पार्ट वहाँ पर देव आत्मा के रूप में था, लेकिन आज मैं विषय विकारों में लिप्त होकर के पतित बन गई हूँ, भिखारी बन गई हूँ। ऐसे मुझ पर भी थोड़ी हीन भावना अनुभव होती कि हम बन क्या गए हैं। तो ऐसे करते करते एक दिन 14/6/1994 सुबह 9:15 बजे मैं घर से अपनी दुकान के लिए निकला, और आकर के मैंने अपनी दुकान की सफाई करने के बाद भगवान का जो हम पाठ पूजन करते थे, तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था और ओम नमः शिवाय की मालाएं फेरता था। तो ऐसे आकर के मैंने देसी घी की ज्योति जगाई जैसे मैं रूटीन में जगाता था, और उसके बाद मैंने जैसे ही पाठ करना शुरू किया तो एक या 2 मिनट का समय हुआ होगा कि मैं क्या देखता हूँ कि एकदम से ये 14/6/1994 के दिन के 9:30 बजे की बात है, मैंने क्या देखा कि मेरे यहाँ से ये जो 2 आँखों के बीच में भ्रिकुटी निवास जिसको कहते हैं, जहाँ माताएँ बहनें हमारी बिंदी लगाती हैं सुहागी की निशानी, और भाई लोग तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, जैसे मंदिर में कोई जाता है तो पुजारी यहाँ पे तिलक लगाते हैं, और कोई आदमी अपने नसीब को कोसता है तो कोसते हुए क्या कहता है कि मेरी हाथ की रेखाएँ तो कोई मिटा सकता है लेकिन मेरे माथे में जो लेख लिख दिए गए हैं उनको कोई मिटा नहीं सकता है। तो क्या है बात, तो मैं इस माथे के अंदर जो इतनी हम उसका अलग अलग तरीके से वर्णन करते हैं उसके भाग्य का, वास्तव में हम सभी की आत्माएं यहाँ निवास करती हैं, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं वो आत्मा यहाँ निवास करती है। तो 14/6/1994 को 9:30 बजे जबकि मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ में अभी उसको पढ़ना शुरू हुआ था, 2-4 लाइनें मैंने बोली होंगी, तो मैंने क्या देखा, मुझे क्या महसूस हुआ कि मेरे यहाँ मस्तिष्क के मध्य भाग से भ्रिकुटी के यहाँ से एक छोटा सा सितारा, एक छोटी सी ज्योति निकली, गोलाकार की बिल्कुल छोटी सी ज्योति निकली, और वो ज्योति निकल करके मेरे शारीरिक सत्ता से दूर होते हुए मेरे शरीर को छोड़ करके हवा में ऐसे धीरे 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 चलते चलते 60 या 70 फुट की दूरी तक मेरे देह को छोड़कर चली गई।
और जैसे ही वो 60-70 दूर फिट की दूरी पर जाकर के हवा में ही खड़ी हुई तो उसमें संकल्प चला कि तेरे पीछे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। और जैसे ही ये संकल्प उस आत्मा में क्रिएट हुआ तो वो मेरी आत्मा जो शारीरिक सत्ता को छोड़ करके 70 फुट की दूरी पर जा चुकी थी, हवा में खड़ी थी, वो वहाँ से फिर उसी रूटीन में उसी स्पीड में धीरे धीरे आई, धीरे धीरे आई और आकर के मेरे यहाँ मृत्यु सिंहासन में फिर से प्रवेश हो गई अंदर। और जैसे ही वो प्रवेश हुई तो मुझे आज भी वो स्मृति है, याद है कि ऐसे ऐसे करके मुझे 2-4 झटके लगे बड़े जोर के। और जैसे ही मुझे झटके लगे, मेरे नेत्र खुले, तो मैंने पाया कि मेरे हाथ में तो दुर्गा सप्तशती की किताब है। लेकिन मुझे ये समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा कि ये अशरीरीपन का अनुभव है, ये विदेही अवस्था का अनुभव है, ये मुझे आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, ये मैंने अपनी मृत्यु दशा का साक्षात्कार कर लिया है कि एक दिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो शरीर सूना कैसे हो जाता है और आत्मा उससे निकल करके अपने घर वापस कैसे जाती है। वो अनुभव मेरे साथ 1994 को बीता। अब इस अनुभव के बाद जो डेरा गोपीपुर से हम किताब लाए थे उसमें एक दूसरी किताब थी, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, जो कि ब्रह्मा बाबा के जीवन पर आधारित है। उसका भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 दो किताबें हैं। उन्हें पढ़ करके मुझे ये समझ आई कि जिस ब्रह्मा बाबा के शरीर में परमात्मा ने प्रवेश किया, उनके समर्पण की जो कहानी है, उनकी जो दिव्य गाथा है, उनका जो बिजनेस था, सोने हीरे जवाहरात का बिजनेस था कलकत्ता सिंध हैदराबाद में, कितना बड़ा था और कितना विशाल उनका व्यक्तित्व था, कितने उदार चित्त वो थे, जो कि परमात्मा ने अनेक जन्मों के अनुभव ही होने के कारण सतयुग के प्रथम प्रिंस से लेकर के कलयुग के अंतिम समय में भी भक्ति में अति में जाने वाले उस ब्रह्मा बाबा के रथ में अगर परमात्मा ने प्रवेश किया तो जरूर उसके कारण यही रहे होंगे कि वो सबके प्रति कल्याण की भावना अपने मन में रखते थे और नारी जाति के उत्थान में हमेशा ही उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था। तो इसी कारण से 1936 में जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की तो अपने शुरुआती रुझान के मुताबिक भी ब्रह्मा बाबा ने बहनों को माताओं को आगे रखा। जिस बहनों माताओं को पुरुष लोगों ने थोड़ा नीचे कर दिया था, ब्रह्मा बाबा ने उन्हीं को आगे रखा और शिव की शक्तियाँ मशहूर हो गई। ऐसे करते करते जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा को कितने साक्षात्कार हुए, देवात्माओं के साक्षात्कार हुए, विनाश के साक्षात्कार हुए, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा ने अपना संपूर्ण परिचय उनके मुख अरविंद द्वारा दिया और कैसे वो गुरु के सत्संग से उठे और परमात्मा का जब उनको साक्षात्कार हुआ और उनके मुख से परमात्मा ने अपना परिचय दिया तो कैसे उनके घर परिवारों वालों ने वो सुना, वो उनके साथ जीवन में घटने वाली आध्यात्मिक बहुत बड़ी एक घटना थी जो कि विश्व पटल में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। तो इसी प्रकार जब मैंने वो दोनों किताबें पढ़ी तो ये किताबें भी कम से कम मैंने 3-3, 4-4 बार पढ़ी, क्योंकि मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि भक्ति के जितने भी शास्त्र वेद मैं पढ़ा हुआ था, पढ़ रहा था, वो सभी के सभी उसके आगे मुझे फीके लगने लगे कि सच्चाई तो इन दो किताबों में है, बाकी तो शास्त्रों में अब कुछ भी सच्चाई रही नहीं है। और ऐसा करते करते मुझे क्या हुआ कि मैं रात को जब सोता था, दिन में मैं किताब पढ़ता था, अपना बिजनेस संभालता था कपड़े का, और रात को मैं आरती बंदन पूजा पाठ के बाद जैसे ही सोता था, भूमि पर सोता था, क्योंकि मैंने जिद कर रही थी कि जब तक परमात्मा के साथ मेरे मन का संबंध पूरी तरह से नहीं जुट जाएगा तो मैं चारपाई पे नहीं सोऊंगा। तो इसी प्रकार मुझे 3-4 महीने लगातार इतने भयंकर भयंकर महाविनाश के दृश्य दिखाई देते कि मेरा मन इस दुनिया से अनासक्त हो गया, उपराम हो गया, मैं बेहद का बैरागी बन गया, मेरा अपने देहधारी जितने मेरे रिश्तेदार संबंधी थे उनसे मेरा मन का संबंध टूट गया, मेरा किसी को बुलाने को मन नहीं करता था, मेरा व्यापारिक साथियों से भी अपने बाजार वालों से किसी से मन बात करने का नहीं करता था, मैं एक ही परमात्मा की याद में खोया रहता था, मैं ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को पढ़ करके 7 दिन के कोर्स वाली किताब को पढ़ करके अपने बारे में जान करके इतना हर्षित रहता, कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, मुझे समझ ही नहीं लगती कि मुझे हो क्या गया है, मैं स्वयं से कभी पूछ लेता कि गणेश तू अच्छा भला था, तुझे हो क्या गया है। लेकिन
बात है कि हमने 84 जन्म बिताए थे, तो 84 जन्मों में जो परमात्मा के प्रति अगाढ़ श्रद्धा हमारे मन में थी, क्योंकि उसने ही हमें इस संगम युग के इस कलयुग के अंतिम जन्म में, जबकि संगम युग चल रहा है, दुयुग का परिवर्तन है, कलयुग अंत हो रहा है, सतयुग का आदि युग की शुरुआत है, तो ऐसे समय में जब परमात्मा ने हमारे पे ये उपकार किया था, हमें ज्ञान दिया, हमारा ईश्वरीय ज्ञान दे करके दिव्य नेत्र खोला, तीसरा नेत्र खोला, ज्ञान का नेत्र खोला, तो हमारे को समझ आई कि परमात्मा ने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है कि हम साधारण मनुष्य आत्मा को देव आत्माएं बनाया, हमें सोने हीरे के महलों में सजाया, दिव्य गुणों से संपन्न करके 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनाया। ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी, किसी गुरु के बस की बात नहीं थी, इसलिए सभी गुरुओं का गुरु सतगुरु परमात्मा एक है, ये मुझे समझ में आ गया। तो ऐसे करते करते जब मुझे भयंकर भयंकर महाविनाश के दृश्य रात को दिखाई देते तो मैं चीख पड़ता, मैं उठ पड़ता, मैं बैठ जाता उठ के। तो ऐसे कई बार मेरी पत्नी भी हलचल में आ जाती कि इस आदमी ने तो मेरा जीना दुश्वीर कर रखा है, क्योंकि उनको भी मेरे कारण दिक्कत तो हो रही थी। परमात्मा के बारे में तो मुझे जानना था, परमात्मा के प्रति तो मिलने की तड़प मेरे मन में थी, लेकिन वो बेचारे मुफ्त में ही मेरे साथ मेरी इन चरित्रों की वजह से उनको भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दुख मिल रहा था, जिसकी मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूँ, आज भी मांगता हूँ चैनल के माध्यम से, कि वो समय मेरे मन पर मेरा काबू नहीं था, मेरा मन उस परमात्मा को पाने के लिए इतना तड़प में था कि हो सकता है मैंने आपको दुख दिए हों उस समय। तो ऐसा करते करते जब मैंने महाविनाश के सीन देखे तो मैंने क्या क्या देखा कि बहुत बड़ा समुद्र है, चारों तरफ पानी ही पानी है, जहाँ भी दुनिया मुझे दिख रही है पानी ही पानी है, और उस पानी ही पानी में जितने भी नर नारियाँ हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी बिल्डिंगें हैं, मकान हैं, कारें हैं, सारे के सारे तहस नहस हो रहे हैं, कोई भी उसमें बच नहीं पा रहा है, सारे के सारे ही उसमें तबाही के मंजर की तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। और लगातार 3 महीने 4 महीने महाविनाश के अलग अलग तरीके से ये साक्षात्कार होने के बाद मेरा मन बिल्कुल उपराम हो गया, मुझे ये दुनिया जैसे कि कब्रिस्तान लगने लगी, मुझे लगने लगा कि अब इस दुनिया का बिल्कुल अंत नज़दीक है, पता नहीं कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी हो। मेरी बुद्धि में इतना फिट बैठ गया कि अब तो जैसे कि ये शमशान घाट बन गया है बहुत बड़ा। तो ऐसे करते करते फिर मुझे कितने ही दिनों तक भयंकर भूचाल के दृश्य दिखाई दिए, तूफान के दृश्य दिखाई दिए, मैंने देखा कि आकाशीय बिजली गड़गड़ करके जो गड़कती है उसके द्वारा कितने ही मकान गिर जाते, कभी पानी का सैलाब आ जाता, कभी तूफान आ जाता। ऐसे करते 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 मैंने ऐसे दृश्य देखते देखते बिल्कुल ही मैं सुध बुध भूल बैठा अपनी, मुझे कपड़े का व्यापार करना भूल गया, मुझे बच्चों के साथ प्यार करना भूल गया, मुझे व्यापारिक साथियों के साथ उठना बैठना भूल गया, मुझे सिर्फ एक ही बात याद रह गई कि अब इस दुनिया का अंत है और अंत से पहले मुझे कंप्लीट देवता जैसा बनना है, तो उसके लिए मुझे अर्जुन बनकर के पूरा पुरुषार्थ करना होगा, मुझे स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना होगा। उसकी विधि क्या है वो सारा ही मैंने 7 डेज कोर्स में पढ़ लिया, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ करके सतयुग की दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा शिव पिता परमात्मा करा रहे हैं, वो समझने में भी 1 सेकंड लगा, पूरा बुद्धि में फिट बैठ गया कि बिल्कुल हकीकत में ये सत्य बातें हैं कि ईश्वर इस धरा पर आकर के सतयुग की दुनिया के नवनिर्माण का कार्य कर रहा है। इसके बाद फिर जो आगे का हुआ शुरू, तो उसमें मैंने देखा कि एक दिन हमने जाना था ससुराल में, तो वहाँ पे मेरी पवित्रता के ऊपर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ था, तो मेरी युगल मेरे साथ जाने के लिए तैयार थी और हम लोगों ने जाना था, तो जाने के लिए बस के इंतजार में 6:15 बजे शाम के टाइम था, हमने दुकान बंद की और दुकान बंद करने के बाद हमने सामने जहां बस लेनी थी, बस स्टॉप था जहां पे, वहां एक बेंच पड़ा हुआ था, हम बेंच के ऊपर बैठ गए और बैठे बैठे 2 मिनट 4 मिनट का समय हुआ होगा बस के इंतजार में, क्योंकि 10 मिनट थे अभी बस को आने में। तो मेरी बुद्धि में जैसे बचपन से लेकर के उस ज्ञान की अवस्था तक मेरे मन में एक ही बात रहती थी कि मैं जिस भी चीज़ की स्टडी करता था उसी को मैं बार बार मन में चिंतन करता था, उसका अध्ययन करता था, उसकी स्टडी करता था, उसी के बीच में मैं खो जाता था। तो अब जब मैंने ये ज्ञान की किताबें ईश्वरीय साहित्य मैंने पढ़ लिया तो मैं इनके भी अनुभव में मैं खोने लगा,
दिन रात मेरे ऊपर इन्हीं ही बातों का असर दिखने लगा। तो ऐसा करते करते अभी 2-4 मिनट का समय हुआ होगा कि मैं बेंच पे बैठा था, मेरी पत्नी साथ में बैठी थी बस के इंतजार में, हम बैठे थे पवित्रता के ऊपर, मेरे को उत्तर देने थे जा करके। तो मैंने क्या देखा कि 2-4 मिनट के बाद एकदम से मेरे सामने 5 फुट की दूरी पे श्री कृष्ण बड़े ही सज धज वाले रूप में, नन्हे से बाल रूप में, मोर मुकुटधारी, यहाँ पूरा सुवर्ण आभूषणों से सजा सजाया और बहुत ही सुंदर काया, जैसे मैं ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं चित्र हैं, तो इन चित्रों से भी बहुत ज़्यादा सुंदर जो श्री कृष्ण वास्तव में है वो बहुत सुंदर है। वो इसीलिए उसका नाम कृष्ण है कि वो आकर्षण करता है, वो दूसरों को खींचने की उसके में आकर्षण होता है। तो मैंने जो श्री कृष्ण को देखा तो मुझे भी आकर्षण हो रहा था, वो जो श्री कृष्ण बाल रूप में मेरे सामने खड़े हुए आकर के, तो उन्होंने मुझे ये तर्जनी उंगली राइट हैंड वाली जो है इसके साथ उन्होंने मुझे ऐसे इशारा करना शुरू किया कि आओ और मेरे से मिलो। और मैं जो बेंच में बैठा था, मेरी बॉडी वहाँ बैठी थी और मन मेरा श्री कृष्ण में इन अनुभवों में खोया हुआ था, तो मैंने देखा कि मैं श्री कृष्ण को मिलने के लिए मन ही मन आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे से उठा नहीं जा रहा है जो मुझे अनुभव हो रहा था। तो ऐसे करके मैंने देखा कि श्री कृष्ण बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। रूहानी नूर क्या होता है, रूहानी चेहरा क्या होता है, मुस्कान भरा चेहरा क्या होता है, गंभीरता भरी मुस्कान, रमणीकता भरी मुस्कान क्या होता है, होती है, वो मैंने श्री कृष्ण के उस बाल रूप वाले चेहरे में देखी। तो वो श्री कृष्ण जो मुझे बुला रहे थे और मैं उनकी तरफ देख रहा था, ऐसे 5 फुट की दूरी पे खड़े थे वो। तो उसके बाद मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने आँख थोड़ी सी ऐसे की तो ऐसे ऊपर आँख करते ही मैंने क्या देखा कि ऊपर से एकदम से सोने के हीरे के महल बने बनाए आए और आकर के मेरे फ्रंट पे, मेरे बैक साइड में, मेरे राइट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में चारों तरफ सोने के महल स्थापित हो गए। अब ऐसे चारों तरफ सोने हीरे के महल खड़े हैं और सामने 5 फुट में श्री कृष्ण जी विराजमान हैं और मुझे ऐसे तर्जनी उंगली से बुला रहे हैं, और इधर उनके सामने ये 5 फुट की दूरी पे गणेश बैठा हुआ है बेंच के ऊपर। तो हमारा ये जो अनुभव हो रहा था, तो इस अनुभव ने मुझे इतना उसमें तल्लीन कर दिया पवित्रता के बारे में, क्योंकि मैंने वो पवित्र काया देखी, श्री कृष्ण वाली पवित्र रूप देखा उनका, वो जो दिव्य रूप मैंने देखा, तो उसका नशा मुझे अति से ज़्यादा चढ़ गया। लेकिन मैं ऐसे ही अभी उसी दृश्य को देख रहा था, सोने हीरे के महल, जैसे कहते हैं कि द्वारिका सोने की जो है वो श्री कृष्ण के महलों में द्वारिका थी, तो मैंने उस द्वारिका के भी दर्शन किए और मैंने श्री कृष्ण को भी देखा कि वो किस रूप में आने वाला है या किस रूप में वो था। तो ऐसे इस दृश्य में जब मैं, मेरा मन खोया हुआ था, तो एकदम से बस आ गई होगी और जैसे ही बस ने हार्न मारा तो मेरी युगल ने, मेरी पत्नी ने मुझे हाथ हिलाकर हिलाया, वो देखो देखो बस आ गई, सामने बस आके खड़ी होगी, उठो, क्योंकि उनको क्या लगता था कि ये बंदा दिन रात परमात्मा की बंदगी में खोया रहता है, परमात्मा की ही बातें करता है, पहले शास्त्र पढ़ता था, वेद पढ़ता था, पूजा पाठ करता था, अनूप जलोटा के भजनों में खोया रहता था, और अब जब से ये ब्रह्मा कुमारी में जाकर के प्रदर्शनी में गया था तब से ये उनके ईश्वरीय साहित्य की किताबें लेकर के पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, तो इसकी नींद पूरी नहीं होती और उस नींद के कारण ये जहाँ भी जाता है मेरे साथ वहाँ जाकर के बैठ जाता है, तो सो जाता है। जैसे कि अब ये मेरे साथ बैठा था बेंच पर तो ये सो जा हुआ था, उनको ऐसा लगता था। जबकि वास्तविकता ये थी कि बचपन से माता जी के साथ जैसे मैं सत्संगों में जाता था, भले वो गुरु जी का सत्संग हो या कोई भगवान का कहीं नाम लिया जा रहा हो, तो ऐसे जाकर के माता जी की जो आदत थी कि वो भी आंखें बंद करके ऐसे भजन कीर्तन में बैठती थी, तो मेरे पे जीवन में प्रभाव था, तो मेरे को भी वही आदत थी कि किसी को हम ऐसे अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं और ऐसे किसी की ऊपर मेरी गंदी नज़र पड़ गई या कोई गंदा मुझे नज़र आ गया और मेरी वृत्ति खराब हो गई, तो मेरा संबंध भगवान से नहीं जुट पाएगा, इस कारण मैं आंखें बंद कर लेता था और कोई कारण नहीं था। तो ऐसे करते करते जब मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि बस आ गई और मैं उस दृश्य से दूर हो गया, तो मुझे याद आया कि वाकई में ही सच में ही परमात्मा इस दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो हमें श्री कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म वाला बनना ही होगा। इसी प्रकार करते करते फिर एक रोज 13/14/1994 वाला जो मैंने अनुभव आपको सुनाया, तो उसके शायद थोड़ा सा बाद में, नहीं उसके थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में, मुझे सही से याद नहीं है, तो देहरा सेंटर वालों ने मुझे एक बार सेवा में बुलाया था और वहाँ पर दादी चंद्रमणि जी और अमृतसर से आदरणीय राजबेन जी, इन दोनों ने आना था और ये दोनों आए
और वहाँ एक प्रोग्राम हुआ, विशाल भव्य आयोजन किया गया वहाँ पे लोगों को एकत्रित करके ईश्वर का संदेश देने के लिए। और वहाँ पे एक बहन थी लता बहन, जो कि आज नमक मंडी अमृतसर में अपनी सेवा दे रही हैं। तो उनके पिताजी सीताराम भाई जी और ताऊ जी धर्मपाल भाई जी, जो कि ब्रह्मा कुमार थे, वृद्ध भाई थे हमारे, तो उस घर में एक बाबा का रूम बना हुआ था। दादी चंद्रमणि जी भी वहाँ गए और मैं अपने व्यापारिक साथियों को, बाजार वालों को साथ में लेके गया था कि आज बहुत बड़ी हस्ती आ रही है ब्रह्मा कुमारी की, तो मुझे उनके साथ खुद को भी इंट्रोड्यूस करना है और इनका परिचय भी देना है कि मेरे व्यापारिक साथी हैं। तो ऐसे कमलेश बहन ने शायद, जो पूर्ण भाई जी की भांजी है और भी देहरा गोपीपुर में वो इस समय सेंटर इंचार्ज हैं, शायद उन्होंने मिलाया था, क्योंकि वो फोटो जो मेरे पास पड़ी है तो मैं देख रहा हूँ कमलेश बहन दादी चंद्रमणि के साथ और राजबहन जी के साथ खड़े हैं वहाँ पर। तो मैंने फिर वहाँ पर जो देखा खबली में, वो दादी चंद्रमणि जी गए और वहाँ छोटी सी झोंपड़ी, छोटा सा जो रूम था बाबा की रूम बनाया था, तो ऊपर जैसे कोठड़ी सी बनाई थी। तो मैंने देखा इतनी महान हस्ती दादी चंद्रमणि जी, जो शेरे पंजाब थी, वो वहाँ बाबा के रूम पूछते हैं कि बाबा का रूम कहाँ है। और जैसे ही गाड़ी से उतरे तो सबसे पहले वो बाबा के रूम में, उस छोटी सी जो ऊपर बनाया हुआ था रूम बनाया था, कोठड़ी बनाई हुई थी, तो उसमें जैसे उन्होंने एंटर किया तो मेरे मन में प्रश्न पैदा हुआ कि इतनी महान हस्ती और इतने छोटे से रूम में कैसे बड़ी उदार चित्त भावना से जा रहे हैं। और उन्होंने बाबा को निहारा, बाबा की नज़रों में नज़रें डाल करके, जो चित्र बाबा का लगा हुआ था ब्रह्मा बाबा का, और फिर उन्होंने वहाँ वाइब्रेशन फैलाए, दो मिनट सबको दृष्टि दी ऐसे करके, और मुझे तब ये नहीं मालूम था कि दृष्टि क्या होती है। तो उन्होंने जैसे ही मेरी तरफ देखा और कमलेश मैंने बोला कि ये सन्यासी बन करके घर परिवार छोड़ करके, अपने कपड़े का इनका बिजनेस था, उनको छोड़ करके ये भागने वाले थे, हरिद्वार जाने वाले थे, लेकिन प्रदर्शनी में इनको परमात्मा का संपूर्ण परिचय मिल गया और इनको ईश्वरीय अनुभव हुए हैं, तो अब ये संपूर्ण रूप से इन पवित्रता के व्रत के द्वारा नियम धारणाओं में चलते हैं। तो मुझे याद है दादी चंद्रमणि जी ने मेरा ये राइट वाला हैंड जो है वो यहाँ से पकड़ कर ये बोला कि अभी आपको हिलना नहीं है, पक्का योगी बनना है, पक्का योगी। तो आज तक भी वो दादी जी के, चंद्रमणि दादी जी के, वो जो हाथों का स्पर्श है, जो उन्होंने मुझे छुआ और उन्होंने जो मुझे ये प्रतिज्ञा कराई कि आपको हिलना नहीं है, वो आज तक भी मुझे अंगद समान वो प्रतिज्ञा अंदर से दिल में मेरे समाई हुई है। तो मैं उसमें कभी भी खंडित नहीं हुआ और आज तक भी उस व्रत का मैं पालन करता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जितनी भी दादियाँ हैं, दादी प्रकाशमणि जी, दादी चंद्रमणि जी, दादी जानकी जी, दादी निर्मल शांता जी, दादी शांतामणि जी, मनोहर इंदिरा जी, दादी रतनमणि जी, हृदय मोहिनी जी, जितने भी दादियाँ हैं, बड़ा सौभाग्य है कि हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देख पाए। पिछले जन्म में हमने जब शरीर छोड़ा होगा तो जरूर हमने उनका भी सानिध्य प्राप्त किया होगा, ज्ञान थोड़ा जो रह गया था वो इस जन्म में ले रहे हैं, लेकिन इस जन्म में हमने दादियों का पूर्ण रूप से सभी का सहयोग मिला, सभी से हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सभी से हमारे को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो इसी प्रकार फिर अंत में जो मेरी पवित्रता के ऊपर बवाल मचने वाली घटना थी, जो कृष्ण के साक्षात्कार के बाले के बाद मेरे को बस में जाना था अपनी पत्नी के साथ स्पष्टीकरण देने, तो हम दोनों वहाँ गए। और जैसे ही हम अपने पत्नी के वहाँ ससुराल में गए, उनके घर में गए, तो वहाँ जो घर के मुखिया थे, उनके पिताजी थे, उन्होंने सभी परिवार वाले इकट्ठे थे, मेरी पवित्रता के ऊपर बात होनी थी, वे क्या बात है, हमारी जो बेटी है इसने क्या गुनाह कर दिया है ऐसा कि जो तुम अपने आप को पवित्र बना रहे हो। तो ऐसे करके जब बात होनी थी तो हम चले गए, मैंने जा करके देखा कि 10-20 लोग इकट्ठे थे, बैठे हुए थे, तो मैं भी जा करके उनको प्रणाम करके या जिसको जैसा अभिवादन करता करके मैं बैठ गया वहाँ पे। जैसे ही मैं बैठा तो जो घर के मुखिया थे, हेड ऑफ फैमिली थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देखने के बाद ऐसे 2 मिनट वो मेरे को ऊपर से नीचे तक देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और वो खुद भी पंडित थे, पुजारी थे एक मंदिर में। तो उन्होंने जब मेरा देखा, और वो एक्टिविटी मेरी जानते थे जब से मेरी शादी उनकी बेटी के साथ हुई थी, तो उन्होंने एक ही बात बोली सभी के सामने, जो कि मैं समझता हूँ बाबा ने उनकी बुद्धि को टच करके बुलाई। उन्होंने बोला कि इस बच्चे को, जब से मैंने इसको अपनी बच्ची दी है तब से लेकर आज तक भी, मैं इस बच्चे को जितनी बार मिला हूँ, जितनी बार इसको देखा है, मैंने इस बच्चे को कभी भी गलत संगत में जाते हुए नहीं देखा है। इस बच्चे के मुख से मैंने कभी गलत शब्द नहीं सुने हैं। इस बच्चे के किसी के प्रति कोई नेगेटिव थॉट उठते हुए भी मैंने नहीं देखे हैं। इसलिए इस बच्चे पे उंगली उठाना गलत है। हो सकता है कि जैसे दुनियावी तरीके से किसी को राहु की दशा बैठ जाती है, किसी को शनि की दशा बैठ जाती है, किसी को केतु की दशा बैठ जाती है, फिर उन ग्रहों का उपचार कराया जाता है, भी इसको शनि की शांति के लिए ये वाला यज्ञ रचो। तो ऐसे करके उन्होंने बात को घुमाया थोड़ा सा कि हो सकता है इनके ऊपर कोई ग्रह का, ग्रह दशा की चाल चल रही हो, जिस कारण इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा सन्यासी टाइप के विचारों से प्रभावित हो गया है।
और हो सकता है जब इसकी दशा ठीक हो जाएगी तो इसका ये सारा सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अपना अभी देखो, ये हमारे बच्चों को पाल रहे हैं, इनके बच्चे हैं, ये हमारी बच्ची को रोटी दे रहे हैं, इन्होंने कपड़े की दुकान अभी तक छोड़ी तो नहीं है ना, तो ये सब प्रूफ थे, तो उन्होंने स्वयं ही मान लिया कि नहीं ये बच्चा गलत संगत में नहीं है। और ऐसा करते करते मैं पवित्रता के व्रत वाली जो बात थी उसके ऊपर भी खरा उतर गया और मुझे पवित्रता का बल वहाँ से प्रदान हुआ। ऐसा प्रदान हुआ कि उसके बाद मेरी पत्नी मेरे से भी 2 कदम आगे निकल गई और वो पवित्रता के व्रत में मेरे से 2 कदम आगे निकल के जब भी भोजन बनाती थी तो भगवान की याद में बनाती थी, भगवान को भोग लगाती थी। उसके बाद फिर हमने वो छोटा सा रूम जो था, एक छोटी सी फोटो लेकर के बाबा का बनाया और तब से लेकर के अब तक एक ही मन, एक ही बात हमारे मन से निकलती है कि भगवान तेरा ऋण हम चुकाएंगे तो कैसे चुकाएंगे। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जो 84 जन्मों में आपके हमारे ऊपर उपकार हैं, जो आपने हमें सवारा है, जो आपने हमें देव रूप से सजाया है, जो आप हमें सर्वशक्तियों से संपन्न बना रहे हो, जो आप हमें दिव्य गुणों की मूर्त बना रहे हो, जो आप हमारे को विश्व का राज्य भाग्य दे रहे हो, उसका ऋण हम कैसे चुकाएंगे, वो बात समझ में नहीं आती है। सिर्फ एक बात समझ में आती है कि सारी दुनिया की सभी आत्माओं के कल्याण अर्थ ही हमारे उस परम पवित्र परमपिता परमात्मा ने स्वयं की देह धारण करके मनुष्य का चोला धारण करना मुनासिब नहीं समझा कि अगर मैं भी मनुष्य रूप में इस धरा पे आ जाऊंगा कर्मों का पार्ट प्ले करने के लिए तो इस सारी दुनिया के जो पतित मनुष्य हैं इनको पावन बनाएगा कौन, ये जो सारी मनुष्य की आत्मा दुखी हैं इनको सुखी बनाएगा कौन, ये जो अभी देव आत्माएं बनने वाली आत्माएं पाप आत्माएं बनकी इनको देव आत्माओं का ज्ञान सुनाएगा कौन। तो ऐसे शिव पिता परमात्मा को शत शत नमन है, कोटि कोटि नमन है। तो यही मेरे को सभी को कहना था, जितने भी मेरे व्यापारिक साथी हैं, क्योंकि मैंने 8-9 स्टेट मेरे अंडर थी जब मैं कपड़े की कंपनी में काम करता था, तो 8-9 स्टेट में जितने मेरे व्यापारी थे या कर्मचारी थे वो जो सब जानते हैं या मेरा यूट्यूब में ये अनुभव सुन रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा चैनल के माध्यम से, मैं सभी से हाथ जोड़ करके बेनती करना चाहता हूं कि एक समय ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, हालात आप दुनिया के देख रहे हैं, अभी कोरोना आपने देखा, तो एक समय ऐसा आने वाला है कि जब आपको ये बातें बहुत याद आएंगी, आपको ये अनुभव बड़े याद आएंगे। तो उससे पहले ये है कि जहाँ भी आपके नज़दीकी में कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सेवा केंद्र है, तो वहाँ 7 दिन का जो कोर्स होता है, 7 दिन के कोर्स में 1 घंटा आपको देना है, 7 दिन के लिए 7 घंटे का कोर्स होता है। उसके बाद आपका दिल करे, आपको अच्छा लगे, तो आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाकर के भगवान से अपना मन का संबंध जोड़ो और शक्तियाँ प्राप्त करो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी रूटीन में जो हम कर रहे हैं वो ठीक है तो आप वही करो, पर एक बार भगवान का संदेश जरूर ले लीजिए। तो अब वो समय दूर नहीं है कि आपको ईश्वर के अवतरण की गूंज सुनाई देगी, आपको कानों में गूंज सुनाई देगी, आपको मन में दिल में आपके घंटियां बजेगी कि भगवान इस धरा पर आ चुका है और आ क्या चुका है, अब तो भगवान के जाने का समय है और सृष्टि के परिवर्तन का समय है, तो अब नहीं तो कब नहीं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।